जिस तरह माया है पिक्चर में, मैं तो रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसी हूँ ही नहीं. मेरी तो आई एम कम्प्लीटली अ टॉमबॉयश काइंड ऑफ अ पर्सन. मुझे बहुत बातें करने की आदत है. मतलब दोस्त हैं मेरे बहुत सारे, घूमना फिरना, मम्मी के पीछे लिटरली घूमना. तो मैं तो बिल्कुल ही अलग हूँ. आई कम फ्रॉम अ वेरी सिंपल बैकग्राउंड. मेरे डैड लॉयर हैं, मेरी मॉम हाउसवाइफ है, मेरी छोटी बहन है. तो जब मेरे को इस तरह का किरदार, मतलब इस तरह का रोल मिला, तो मतलब बहुत डिफिकल्ट रोल था. बट आई थिंक मेरे डायरेक्टर और मेरे प्रोड्यूसर को ट्रस्ट था कि वो इस तरह का किरदार निभा सकती है. ऑब्वियसली सर, नहीं तो हम नहीं लेते. हाँ, तो मैंने कब कहा नहीं था. आपने ऐसे किया तो मुझे लगा आपको डाउट है. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. अब क्या डाउट. अब तो कुछ हो नहीं सकता. 10 दिन की पिक्चर हो चुकी है. जी सर, स्क्रिप्ट की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से ये फिल्म का आपके ज़हन में आगाज किस तरह से हुई? हाँ जी, है ना, दैट्स द वर्ड यू आर लुकिंग फॉर. यार, एक यूरोपियन फिल्म का ऑफिशियल रीमेक है ये. तो फिल्म देखी मैंने और मुश्ताक ने, और हमको बहुत अच्छी लगी, और हमने सोचा कि हम इसको बनाते हैं. तो हमने उस फिल्म के प्रोड्यूसर से बातचीत की, उससे उसके राइट्स खरीदे, और फिर उसको थोड़ा सा हिंदुस्तानी परिप्रेक्ष्य में उसको थोड़ा सा ढाला, और दो खूबसूरत लोग ढूंढे कि जो उस फिल्म में काम करेंगे, और एक फिल्म बना डाली. और शाहिद तोशी से कहा कुछ फैंटास्टिक म्यूज़िक बना दो, क्योंकि इस किस्म के थ्रिलर में म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिशनली हिंदुस्तान में. और तो उन्होंने अच्छे गाने बनाए जो लोगों को अच्छे लग रहे हैं. मुझे नंबर 10 पे पहुंच गया, एक दूसरा अभी रिलीज हुआ है, भी बहुत पसंद आ रहा है. तो जी, अपने दर्शकों को कुछ चाहेंगे तो फिल्म और आपके थिएटर में आके आपकी फिल्म देखें, क्या ऐसी बात है आपकी फिल्म में? मैं ये कहना चाहूँगा दर्शकों से कि आमतौर पे उन्हें फिल्म हाफ एक्साइटिंग भी लग रही होती है, तो वो जाके जो बड़े स्टार्स की फिल्म होती हैं वो थिएटर में जाके उसको ट्राई आउट करते हैं. मुझे लगता है जितनी फिल्म मेकर्स की जिम्मेदारी है कि नए लोगों के साथ बनाएं, नए टैलेंट के साथ काम करें, उतनी ही ऑडियंस की भी जिम्मेदारी है कि उस नए टैलेंट को भी वो एक मौका दें सही या गलत साबित होने का. तो ये एक फिल्म है जो ट्रेलर के जो यूट्यूब व्यूज और जनरली जो लोगों से बात हो रही है वो करके जो समझ में आ रहा है कि ट्रेलर बहुत पसंद आए लोगों को, गाने बहुत पसंद आए. तो मेरी उनसे एक गुजारिश है कि ये दो नए लोग एक फिल्म में अपनी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उनको एक मौका दें, उनको अपना आशीर्वाद दें और जाएं उनकी फिल्म देखें. कास्टिंग का एक ही तरीका होता है दुनिया में कि वो स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट में कुछ किरदार होते हैं, उनको जब आप पढ़ते हैं तो एक खास किस्म की शक्लें नजर आनी शुरू होती हैं. वो शक्लें डायरेक्टर कास्टिंग डायरेक्टर को बताता है कि मुझे ऐसे ऐसे चेहरे दिख रहे हैं कुछ. फिर डायरेक्टर्स फोटोज लाना शुरू, कास्टिंग डायरेक्टर फोटोज लाना शुरू करते हैं, उन फोटोज से शॉर्ट लिस्टिंग होती है, उन लोगों को फिर बुलाया जाता है, इन पर्सन मिला जाता है, उनका स्क्रीन टेस्ट होता है. उसके बाद कुछ लोग उनके नाम की स्पेलिंग भी ऊपर नीचे करते हैं, कुछ लोग नाम ही चेंज कर देते हैं जैसे मैंने कर दिया. ये पूरा एक प्रोसेस है. खड़े उतरे हैं? खड़े नहीं उतरते, तो यहाँ खड़े होते क्या? गोली मार चुका होता इन लोगों को अब तक. बहुत अच्छा काम किया है मनारा ने. और ये फिल्म में सबसे अच्छा सीन आपको कौन सा पसंद है, और क्या आपको मतलब ऐसा कुछ यादगार रह जाए ये फिल्म, ऐसा कुछ सीन पिक्चराइज हुआ है इन दोनों के बीच में, या पूरी फिल्म के बारे में कोई ऐसा सीन आप जो आपको छू जाती हो? आखिरी 5 मिनट पिक्चर के मुझे आज भी वापस, अरे ये क्या हुआ, ये मुझे आज भी होता है. मैं कुछ 200 बार देख चुका हूँ पिक्चर. तो आखिर के 5 मिनट जो हैं वो देख के मतलब मजा आ जाएगा. मनारा, फिल्म डेब्यूट फिल्म है आपकी, एरोटिक थ्रिलर ही आपने क्यों सेलेक्ट किया? एज अ यू कुड हैव डन एनी रोमांटिक फिल्म और एनी कॉमेडी फिल्म, सो व्हाई दिस पर्टिकुलर मूवी? आई थिंक ये एक पिक्चर है जो एक थ्रिलर है सबसे पहले तो, जिसका आप कह सकते हैं बहुत अच्छा म्यूजिक है, तो आप कह सकते हैं एक म्यूजिकल थ्रिलर है. एंड आई डोंट विद इट्स अ लव स्टोरी बेसिकली, फॉर मी इट्स अ लव स्टोरी, इट्स अ म्यूजिकल थ्रिलर. सो वट एवर सीन जो आप सोच रहे हैं एवरी थिंग इज देयर, डेफिनेटली देयर इन द फिल्म. बट हर चीज़ का एक रीज़न होता है. कुछ भी ऐसे ऑडियंस को लुभाने के लिए नहीं डाल दिया गया है कि अरे वो ये सीन देखेंगे तो हमारी पिक्चर देखेंगे. बट वो सीन डेफिनेटली पिक्चर में है, उससे ज़्यादा है कम है उसके लिए आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी. बट एक बहुत इंटेलिजेंट फिल्म है,
और जिस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, आई डोंट थिंक कि लोग जब एक सिनेमा हॉल में आएंगे तो वो एक परसेप्शन लेके आएंगे, अरे अभी हमने ट्रेलर देखा उसमें बहुत किसिंग है तो ये सब है. उन्हें पता है कि आज की डेट में हम YouTube पे नंबर वन जा रहे थे 3 दिन तक हैं अभी भी, मतलब आज सुबह मैंने चेक नहीं किया, आई एम सो सॉरी. तो YouTube पे नंबर वन है, लोग बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं. तो ये सबके लिए है, जिसको लव स्टोरी देखनी है उसके लिए भी बहुत अच्छी है, जिसको अच्छे गाने सुनने और पॉपकॉर्न खाने है उसके लिए भी बहुत अच्छा अरिजीत सुनिधि शारिफ तोशी के द्वारा दिया हुआ म्यूजिक है, और जिसको एक इंटेलिजेंट और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस चाहिए कि 2 घंटे यार कुछ इंटेलिजेंट फिल्म देख के आते हैं और रोम कॉम से अगर थक चुके हैं थोड़ा सा तो डेफिनेटली उनके लिए भी है. बट टू आंसर योर इरोटिका क्वेश्चन, यू नो इरोटिक थ्रिलर कोई ऐसा उसकी कोई परिभाषा नहीं होती है. तो इट इज प्रमोटेड एज एन इरोटिक. नो रियली डिड आई से दैट? नो इट हु सेड इट? इट वाज आई मीन इन वन ऑफ आवर वेबसाइट आई जस्ट चेक्ड आउट. नहीं मतलब देयर इज एन इरोटिक एलिमेंट इन द फिल्म फॉर श्योर, बट आई एम नॉट डिनाइंग दैट. बट इरोटिक भी थोड़ा सा ओवररेटेड है ना हिंदुस्तान में. हम तो इरोटिक कुछ बनाते भी नहीं है. पहले तो किस करना ही मना था. हीरो हीरोइन किस ही नहीं करते थे. जब वो बाय करते थे तो ऐसा गाल पे किस करते थे. कौन सी दुनिया में लड़का लड़की गाल पे किस करते हैं मुझे बता दो. आज की तारीख में 13 साल के बच्चे को ही मालूम है कि कहाँ कैसे किस किया जाता है. तो फाइनली सेंसर बोर्ड ने वॉज वेरी ग्रेशियस एंड काइंड दैट दे अलाउड यूए फिल्म्स टू हैव पीपल किस. एक मर्द औरत के रिश्तों की कहानी है जिसमें मर्द औरत के इंटीमेट मोमेंट्स भी होते हैं, वो भी है इस फिल्म में. बट एसेंशियली एक कहानी है, एक थ्रिलर है, कुछ रिश्ते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके बारे में फिल्म. ऐसा इरोटिका नहीं है, इट्स नॉट कामा सूत्रा. एक्टिंग टिप्स तो क्या मुझे याद है कि जब मैं इस फिल्म का ऑडिशन, जैसे हम एक्टर्स आते हैं मुंबई ऑडिशंस देते हैं, तो इस फिल्म का मैं ऑडिशन दे रही थी उस टाइम प्रियंका के पापा हॉस्पिटल में थे. जैसे आपको पता है कि पिछले साल, मतलब अब नहीं है मेरे मामा मेरे साथ, बट आई एम श्योर उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है. तो आई थिंक तब मैंने पहला या दूसरा ऑडिशन दे दिया था तो, और मेरा शॉर्टलिस्ट होता जा रहा था. तो मेरी आदत है, जैसे देखा प्रियंका को कि दीदी मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ दिस एंड दैट, सो वी वर जस्ट डिस्कसिंग. तो साथ में उस टाइम काफ़ी ज़्यादा रहते थे क्योंकि मामा ठीक नहीं थे और ये सब, तो इतना ज़्यादा मिले. एंड देन फाइनली मैंने उसको बोला कि मेरा लास्ट स्टेज ऑफ ऑडिशन है, तो उसने मुझे ये बोला दैट आई एम श्योर यू गोना क्रैक. उठाया गया और फोन करा गया, नथिंग एट ऑल. बहुत जेन्युइनली ऑडिशन हुआ था, कुछ 900 गर्ल्स में से मुझे पता नहीं क्यों सोचा सर ने लेने का, बट लिया. तो उस टाइम मेरी बहन ने, जब मैंने बोला कि मेरा सिलेक्शन हुआ, उसने एक ही चीज़ बोली दैट आई जस्ट फील दैट डैड इज डूइंग इट एवरीथिंग फॉर यू. और मेरे जहन में था और उसने अपने मुंह से बोला, मेरे मामा ने मेरे लिए किया और मैं इसको जेन्युइनली बिलीव करती हूँ. सो इस तरह का था. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू.